अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम प्लीज उससे रिश्ता मत तोड़ना क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है, अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। I can't believe it. इतना कर सकती है, इतनी गंदी हरकत कर सकती है। आज तक तो मैं उससे नफरत करता था लेकिन अब मुझे उससे घिन आने लगी है। नहीं सुभान, प्लीज उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो मुझे पता चल गया तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। बहुत सारी गलती मेरी है, मेरा ही कसूर है, मुझे उस फरहान पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। सुभान वो फरहान पर आया था ना, लेकिन मेरी अपनी बहन जिसने मुझे धोखा दिया वो सब मेरी गलती है, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने फरहान पे भरोसा नहीं किया, तुमने इस इंसान पे भरोसा किया जिसे तुम मोहब्बत करती थी। अगर उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मेरा कसूर है सुभान, मुझे उस फरहान के प्यार में ही नहीं पड़ना चाहिए था, ना मैं उससे प्यार करती ना इबादत मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर पाती। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सुभान, सुभान वो वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए, सुभान मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सारी दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, सुभान दुनिया तो बाद में कुछ कहेगी, तुम्हारी फैमिली के लोग ताने दे देकर मुझे मार डालेंगे, सुभान मैं नहीं जी पाऊंगी। किसी से ताई शिकवा करो सुभान, अब तो तुम भी मेरी तरफ इज्जत वाली नजर से नहीं देख पाओगे, किसी दूसरे से तो क्या ही उम्मीद करो, तुम भी मेरा हाथ नहीं थामोगे सुभान। मन्नत, मन्नत प्लीज अपने लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल मत करो, हर इंसान सेम नहीं सोचता और मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। यू नो पॉइंट ये नहीं है कि तुमने गलती की, पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इंसान का सिर्फ दिल सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस इबादत की तरह नहीं जो दिखने में इतनी सीधी साधी लगती है लेकिन है चलाक लोमड़ी। सुभान तुम ये सब मुझे हौसला देने के लिए कह रहे हो या? या फिर मैं ये मान लूं कि तुम मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो? तुम मुझे वो प्यार दोगे जो फरहान से नहीं मिल सका? सुभान तुमने कहा था ना कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन आज खुदा ने मुझे एक और मौका दिया है, ऐसे नहीं गवाऊंगी। सुभान तुमने मुझे हमेशा से चाहा है पर अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें हाँ कि मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश मत करो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी? निकलो यहाँ से। चलो कायनात, हाथ छोड़ो इबादत का और पीछे हटो। पीछे हटे मेरी जूती खाला जान, निकलो यहाँ से। तो खाला जान नहीं सासू माँ, अरे गुजारिश नहीं हुक्म है कायनात, पीछे हट जाओ वरना जूती के साथ साथ तुम भी पीछे हटोगी। छोड़ो उसका हाथ। नहीं हटूंगी और नहीं छोड़ूंगी, और इस वक्त बहू के फर्ज से ज्यादा माँ का फर्ज निभाना जरूरी है।
और मैं अपने बेटे के पास किसी भी तरह की मुसीबत नहीं पहुंचने दूंगी। ये निकलो यहाँ से। निकलो। प्लीज। अपनी बीवी को समझाओ वरना मैं अपना तरीका आजमाऊंगी। कायनात। अब्बू, आप रहने दीजिए ना, मैं समझा देता हूँ मम्मी को। सूफी। कायनात, इबादत का हाथ छोड़ो। इबादत सुबान की बीवी है, उसे जाने दो। लेकिन कायनात, बहुत देख लिया तुम्हारा गुस्सा। अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो बहुत पछताओगी। इबादत का हाथ छोड़ो, उसे जाने दो। रुको, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना इबादत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे गलत समझ रही है भूखी जा। इतनी धमकियां देने की जरूरत नहीं है। सुभान को वो तकलीफ पहुंचाएंगे जो उनके दुश्मन है। मैं उसकी अपनी हूं, मेरे साथ वो महफूज है। बोलो सुभान, क्या तुम मेरे साथ होगे? क्या तुम मुझे अपनाओगे? क्या फैसला किया है तुमने? बोलो ना सुभान। मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मजबूरी में ही सही, लेकिन हिफाजत के साथ अभी मेरा रिश्ता है। मैं भी उसका शोहर हूँ, वो मेरी बेगम है। मैं उस रिश्ते का मजाक बनाकर मैं कोई तसल्ली नहीं देना चाहता। और वैसे भी अभी मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है, इबादत का असली चेहरा सबके सामने लाना है। उसके सिवा मेरे जहन में और कोई बात है ही नहीं। ये सुभान, ये जैसा कुछ मत करना, वो इबादत मेरा वीडियो वायरल कर देगी, मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। सुभान, तुम उसके बारे में किसी को कुछ गलत मत कहना, प्लीज प्लीज सुभान। कैसा फील कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत पछताऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।